और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई। आपको बता दें कि शनिवार रात NH 730 पर हादसा हुआ था। एक कार आवारा जानवरों से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई थी। बेकाबू कार पानी से भरे गड्ढे में पलट गई और इस हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उनकी भी मौत की खबर आ रही है। तो अब श्रावस्ती में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें मृतकों की संख्या 7 पहुंच गई है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में, जहां पर आवारा पशुओं से कार टकरा गई थी और पानी से भरे गड्ढे में कार गिर गई। शनिवार रात NH 730 पर यह हादसा हुआ था और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने भी दम तोड़ दिया और अब कुल मृतकों की संख्या जो है वो 7 हो चुकी है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर अस्पताल की और दूसरी घटना स्थल की। बदहवास स्थिति वहां पर थी, भीषण हादसा हुआ देर रात, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। एक घटना हुई जिसमें एक्सीडेंट हुआ है और इसमें मौके पे ही 3 लोगों की डेथ हो गई थी और 2 लोग जब तक अस्पताल लाए गए तब तक एक्सीडेंट हो गया। एक को तत्काल रिफ़र कर दिया गया है बहराइच के लिए। ये थाना इकौनत क्षेत्र की हाईवे की घटना है। जो ड्राइवर थोड़ा सा जो होश में है वो बता रहा था कि कोई जानवर सामने आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।